अच्छा, ये प्रोजेक्ट इन लोगों ने बनाया हुआ है, ये BSc के स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल के सेमेस्टर फोर्थ, सही है। अच्छा, एक एक करके भाई नाम बताएं। खान अब्दुल वहाब, बिलाल हुसैन सिद्दीकी, सैयद अनस अली, सैयद खैरुल बशर, अब्दुल अली। अच्छा, इन लोगों ने जो ये बनाया हुआ, ये है सिंगल फेज पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट बैंक। ये एक डैमो के लिए यहाँ पे एक मोटर रखी हुई सिंगल फेज। अच्छा, अब इस प्रोजेक्ट में है क्या, हमने 3 कैपेसिटर लगाए हुए हैं और उनकी रेटिंग सबकी कितनी है? 47 माइक्रो फैराड ईच उनकी रेटिंग है। ये ब्लू कलर के कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं, सही है। अच्छा, इनको लैचिंग करने के लिए हमने 3 मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर लगाए हुए हैं, इनमें से 2 की रेटिंग कितनी है? 25 एम्पेयर और एक की 50 एम्पेयर। और हमने मेन ब्रेकर जो लगाया 2 पोल का 20 एम्पेयर का, सही है, न्यूट्रल और फेज को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा हमने ये डिजिटल मीटर लगाया हुआ जो हमको वोल्टेज, करंट, किलोवाट, फ्रिक्वेंसी और हमारा पावर फैक्टर शो करेगा, सही है, जो हमारे पास इम्प्रूव होगा या नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा ये 3 लाइटिंग इंडिकेशन लैम्प जो ये बता रहे हैं कि ईच टाइम कौन सा कैपेसिटर लैच होगा। अभी ये बटन से यहाँ पे लैच करके दिखाएंगे। ये कैपेसिटर 1 ऑन हो गया, कैपेसिटर 2 ऑन हो गया और कैपेसिटर 3 ऑन हो गया। अच्छा, इस कैपेसिटर बैंक का मकसद ये है कि जब भी हमारे पास इंडक्टिव लोड, जैसे कि मोटर जब स्टार्ट होती है तो वो बहुत ज़्यादा करंट खींचती है, उसकी वजह से पावर फैक्टर डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे कैपेसिटर उसको रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा और करंट की डिमांड भी स्लाइटली कम हो जाएगी।